नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। जर्नलिस्ट कप्पन को बेल मिली, रिहाई नहीं। भाई बोले 45,000 के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस, क्या इतने में कोई दंगा भड़क सकता है? अब तक यूपी सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया जो भड़काऊ था। जिन पैम्फलेट्स का जिक्र किया गया उनमें हाथरस गैंगरेप पीड़िता के न्याय की बात की गई है, उसके लिए लड़ना अपराध नहीं हो सकता। इस कमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को जर्नलिस्ट सिद्दीक कप्पन को जमानत दे दी थी। कप्पन 5 अक्टूबर 2020 से जेल में हैं। उन पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI से कनेक्शन, दंगा भड़काने, मनी लॉन्ड्रिंग और गैरकानूनी तरीके से पैसा जमा कराने के आरोप है। कप्पन को जमानत मिले 11 दिन हो गए, लेकिन वे अब भी जेल में बंद है। वजह है दो जमानतदारों का ना मिलना, 1-1 लाख के दो बॉन्ड भरना है, इसका भी इंतजाम नहीं है। गिरफ्तारी के वक्त कप्पन के पास 45,000 रुपये मिले थे। इस पर इनके भाई हमजा पूछते हैं कि क्या इतने पैसे में कोई दंगा भड़क सकता है। दिल्ली में फॉर्च्यूनर ने 6 गाड़ियों को टक्कर मारी, स्कूटी सवार को 100 मीटर तक घसीटा, हालात गंभीर, आरोपी ड्राइवर फरार। दिल्ली के करोल बाग में सोमवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने 6 गाड़ी में टक्कर मार दी। घटना में वहां मौजूद कई गाड़ियां डैमेज हो गई। बताया जा रहा है कि कार का ड्राइवर नशे की हालात में था और ओवर स्पीड में कार भगा रहा था। उसने पहले कई गाड़ियों को टक्कर मारी, उसके बाद एक स्कूटी को 100 मीटर तक घसीट कर ले गया। स्कूटी सवार युवक की पहचान हिमांशु के रूप में हुई। हादसे के उसी हालात गंभीर बताई जा रही है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में एक रिक्शे को भी नुकसान पहुंचा है। इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी की पहचान सुधीर जैन के रूप में हुई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में सड़क किनारे एक महिला भी दिख रही है। कार की गाड़ियों को टक्कर मारने पर वो महिला चौंक जाती है। घटना के बाद वो कई लोग जमा हो जाते हैं। वहाँ मौजूद लोगों को कहना है कि कार में शराब की बोतलें भी मिली। दिल्ली में ट्रक ने डिवाइडर पर सो रहे 4 लोगों को कुचला, सभी की मौत। दिल्ली के सीमापुर में रात करीब 2 बजे एक ट्रक ने डिवाइडर पर सो रहे 4 लोगों को कुचल दिया और 2 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। हादसा तब हुआ जब ट्रक DTC डिपो की रेड लाइट पर पार कर रहा था। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया, जबकि चौथे शख्स की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने अज्ञात ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंक ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से के लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।